नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं खेल की खास खबर। वर्ल्ड कप 2019 सभी 10 टीमों का हो चुका है ऐलान। देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट। वर्ल्ड कप 2019 के लिए सभी टीमों का ऐलान हो चुका है। कल वेस्टइंडीज ने भी विश्व कप के लिए अपने टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 30 मई से होगी। भारत में फिलहाल आईपीएल शुरू है, इसलिए सबका ध्यान इंडियन प्रीमियर लीग पर ही टिका हुआ है। वर्ल्ड कप के लिए सभी देशों ने अपने अपने टीमों का ऐलान कर दिया है। इन सभी टीमों में सिर्फ मेजबान इंग्लैंड की टीम ऐसी है जिसने सभी अपनी प्रारंभिक 15 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। दरअसल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच विश्व कप से ठीक पहले वनडे सीरीज खेली जानी है, इसलिए इंग्लैंड आखिरी बार अपने खिलाड़ियों को परखते हुए जरूरत पड़ने पर अंतिम बदलाव करना चाहती है। भारतीय टीम में शामिल ये 10 खिलाड़ी: विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, युवेंद्र चहल, शिखर धवन, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव। पंजाब पर जीत के बाद विराट कोहली ने कहा, लगातार 6 हार से मुश्किल हुई आरसीबी की राह। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि लगातार 6 मैच हारने से उनकी टीम प्रभावित हुई और अब उनके खिलाड़ी बिना कोई दबाव लिए हर मैच का मजा लेने उतरेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बुधवार को आईपीएल मैच में किंग इलेवन पंजाब को 17 रन से हराते हुए इस सीजन में 11वें मैच में अपनी सिर्फ 4थी जीत दर्ज की। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा फोकस टीम के लिए अच्छा खेलना है। लगातार 6 मैच हारने से असर पड़ा, किसी भी टीम ने ऐसे हालात का सामना नहीं किया। हम अपने खेल का मजा लेने के लिए खुलकर खेल रहे हैं। आरसीबी को प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए बाकी 3 मैच जीतने होंगे। कोलकाता इन 2 खिलाड़ियों को कर सकता है बाहर। राजस्थान में होंगे कौन से बदलाव? आईपीएल 2019 के 43वें मैच में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीमों के लिए प्ले ऑफ में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। कोलकाता की टीम जहां लगातार 5 मैच हार चुकी है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन में सिर्फ 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर खिसक गई है। ऐसे में प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उनके लिए करो या मरो वाला मैच बन गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।